साथियों नमस्कार। साथियों आज हम कई टोल बैरियरों पे गए और वहां से आम लोगों की राय ये थी कि ये टोल परमानेंट फ्री करा दिए जाएं, और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी काफी लोगों से राय ली तो सभी लोगों की राय ये आई कि टोल परमानेंट बंद करा दिए जाएं। और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी उसमें भी फिर ये फैसला ले लिया गया है हरियाणा का टोल फ्री कराने का। तो आप सभी से अनुरोध है कि पूरे हरियाणा में जो है वो तब तक टोल फ्री रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये केवल 27 तारीख तक नहीं, उसके बाद भी परमानेंट टोल फ्री रखना है और उसको व्यवस्थित चलाने के लिए सभी टोलों पे कमेटियां बना ली जाए। जहां पे हमारे प्रधान पहले से हैं वो तो अलग बात है, उनकी पहले से कमेटी बनी हुई है, और जहां पे कोई नया एरिया है जहां पे हमारी पहले से व्यवस्थित कमेटी नहीं है वहां पे नई कमेटियां बना ली जाए, क्योंकि हमें कोई ना कोई उसके कमांडरों की जरूरत पड़ेगी। कोई अधिकारी बात करने के लिए आ जाए या कोई सभी को कंट्रोल कर रहा हो या कोई फैसला लेना पड़ जाए तो 11 मेंबरों की, 5 मेंबरों की, 15 मेंबरों की, जैसी भी जहां उचित हो वो कमेटी वहां बना ली जाए सभी टोलों पे, और अनिश्चित काल के लिए वहां पे धरना शुरू कर दिया जाए। धन्यवाद। और वहां से आम लोगों की राय ये थी कि ये टोल परमानेंट फ्री करा दिए जाएं, और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी काफी लोगों से राय ली तो सभी लोगों की राय ये आई कि टोल परमानेंट बंद करा दिए जाएं। और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी उसमें भी फिर ये फैसला ले लिया गया है हरियाणा का टोल फ्री कराने का। तो आप सभी से अनुरोध है कि पूरे हरियाणा में जो है वो तब तक टोल फ्री रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये केवल 27 तारीख तक नहीं, उसके बाद भी परमानेंट टोल फ्री रखना है और उसको व्यवस्थित चलाने के लिए सभी टोलों पे कमेटियां बना ली जाए। जहां पे हमारे प्रधान पहले से हैं वो तो अलग बात है, उनकी पहले से कमेटी बनी हुई है, और जहां पे कोई नया एरिया है जहां पे हमारी पहले से व्यवस्थित कमेटी नहीं है वहां पे नई कमेटियां बना ली जाए, क्योंकि हमें कोई ना कोई उसके कमांडरों की जरूरत पड़ेगी। कोई अधिकारी बात करने के लिए आ जाए या कोई सभी को कंट्रोल कर रहा हो या कोई फैसला लेना पड़ जाए तो 11 मेंबरों की, 5 मेंबरों की, 15 मेंबरों की, जैसी भी जहां उचित हो वो कमेटी वहां बना ली जाए सभी टोलों पे, और अनिश्चित काल के लिए वहां पे धरना शुरू कर दिया जाए। धन्यवाद।